तो दोस्तों अक्टूबर एग्ज़ाम में जो भी दोस्तों एग्ज़ाम दिया था उनका दोस्तों एग्ज़ाम डिक्लेयर कर दिया गया था दोस्तों, एग्ज़ाम उनका रिजल्ट निकल गया था और रिजल्ट में बहुत सारे बच्चे दोस्तों इस बार बहुत सारे बच्चे फेल हुए हैं। लगभग दोस्तों 33,000 बच्चे इसके ना फेल हुए दोस्तों इस पब्लिक एग्ज़ाम में। अक्टूबर ये पहली बार अनाउंस बोर्ड में हुआ है जो इतने सारे बच्चे दोस्तों पब्लिक एग्ज़ाम में फेल हो गए हैं। ठीक है तो दोस्तों अब ये है कि दोस्तों अब हमको पास होने के लिए क्या करना चाहिए, हमको ऑन डिमांड एग्ज़ाम देना चाहिए, पब्लिक एग्ज़ाम बेस्ट रहेगा। ठीक है तो दोस्तों इन्हीं सब वीडियो पे मैंने आपके लिए दोस्तों सारे का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा इसी वीडियो में बिना स्किप के देखे, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों एनआईएस नोटिफिकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल से रख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों तो दोस्तों सबसे पहले तो ये बात बताऊँ तो आपके लिए एनआईएस बोर्ड में दोस्तों ये है कि दोस्तों आपके लिए ऑन डिमांड ये होता है कि दोस्तों अगर 45 डेज में रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है, ये दोस्तों ऑन डिमांड रिजल्ट आपके लिए उनके लिए बेस्ट रहता है जिनके लिए दोस्तों जिनके 3-4 सब्जेक्ट में या फिर मिनिमम तीन सब्जेक्ट में अगर आ रखे हैं ऑन डिमांड आपके लिए बेस्ट है। ठीक है क्योंकि उसमें पास होने के दोस्तों चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे आपका जनवरी का दोस्तों देख सकते हैं, जनवरी टू मार्च अभी इसके अंदर ऑन डिमांड का रजिस्ट्रेशन ओपन हो रहा है, इसके अंदर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सिंपली आपको सीधा कुछ नहीं करना है, इसके अंदर सीट बुकिंग करनी है, पेमेंट करनी है, उसके बाद आपका जिस भी डेट को आपने सेलेक्ट किया है, जैसे आपने 3 तारीख सेलेक्ट किया तो 2 तारीख को आपका हॉल टिकट आ जाएगा। हॉल टिकट में आपने जो भी सेंटर चूज़ किया होगा, अपने अकॉर्डिंग सेंटर जो चूज़ किया होगा उसी सेंटर पर आपको जाना है। उसके बाद आपका जो भी अगर थ्योरी में फेल है थ्योरी में आपको देना होगा, या फिर आपका कोई भी SYC आ गया तो दोनों, अगर आपका थ्योरी वाले सब्जेक्ट प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट दोनों एक ही है तो आपको दोनों देना होगा। जैसे इंग्लिश में प्रैक्टिकल नहीं होता तो प्रैक्टिकल उसके अंदर आपको जमा नहीं करना होता, सीधा आपको सिंपली थ्योरी देके आप उसके अंदर अपना रिजल्ट पासिंग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों तो ऑन डिमांड में दोस्तों ये होता है कि आपका आपको जनवरी में अगर आप एग्ज़ाम देंगे तो आपका दोस्तों फरवरी के लास्ट वीक तक में आपका रिजल्ट आएगा, यानी 45 डेज तक में आपका आ जाएगा। ठीक है और अगर बाई चांस अगर उसमें फेल हो जाते हैं तो दोस्तों आप मार्च रहेगा आपके पास, चांसेस एक और रहेगा मार्च में, आप देना चाहे दोबारा दे सकते हैं एग्ज़ाम। ठीक है मार्च में आप दोबारा से ऑन डिमांड दे सकते हैं और दोबारा से रिजल्ट आपका डिक्लेयर हो जाएगा। ठीक है 45 डेज के अंदर। अब दोस्तों पब्लिक एग्ज़ाम किन के लिए बेस्ट रहेगा, पब्लिक एग्ज़ाम दोस्तों अगर आपके पास बहुत सा अभी टाइम है, आपकी प्रिपरेशन पूरी नहीं हुई है तो आप पब्लिक एग्ज़ाम में दे सकते हैं, क्योंकि दोस्तों पब्लिक एग्ज़ाम अप्रैल में होगा, अप्रैल की फ़ीस अभी जमा करना स्टार्टिंग हो चुकी है और ऑफिशियल नोटिफिकेशन दे सकते हैं दोस्तों, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट लेट आया था दिसंबर में तो उनके लिए दोस्तों एक्सटेंड कर दिया डेट। ठीक है 1 जनवरी से 15-20 जनवरी तक आपके बीच में कर दिया, विदाउट लेट फीस में कर दिया है, तो जो भी अक्टूबर वाले सेशन बच्चे अप्रैल एग्ज़ाम में देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों अगर आपको रजिस्ट्रेशन में कोई दिक्कत आ रही है ऑन डिमांड में या फिर फीस पेमेंट में कोई दिक्कत आ रही है तो टेलीग्राम चैनल में आप मेरा ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आप पूछ सकते हैं जो भी आपको दिक्कत हो रही है, फीस वीस जो भी पूछना चाहिए पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों तो दोस्तों आपने मैंने बता दिया ऑन डिमांड किन के लिए बेस्ट है, पब्लिक एग्ज़ाम किन के लिए बेस्ट है, ऑन डिमांड के लिए बेस्ट है दोस्तों जो भी अपना जल्दी से दोस्तों अपना रिजल्ट पासिंग चाहते हैं। ठीक है और दोस्तों पब्लिक उनके लिए बेस्ट है जिनके पास अभी टाइम है और दोस्तों उनकी प्रिपरेशन अभी पूरी नहीं है तो वो पब्लिक एग्ज़ाम में दे सकते हैं। ठीक है 2024 में देंगे तो जून तक में आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा जो भी NIS में एडमिशन ले रहेगा उनको, ताकि पता चल जाए ऑन डिमांड अप्रैल में क्या फ़र्क होता है और कौन सा उनके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।